ले जा ले जा, ये देखो मेरी टी शर्ट लेके आई है प्यारी, ले जा जा खाले जाके, जा 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 ले जा ले जा ले जा खाले एक रोटी के चक्कर में, जा जा ले जा ले जा ले जा ले जा 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 भाग जा भाग जा। कैसे खाएगी देना, कैसे खाएगी, कैसे वो लेके जाने लगी, अब यही डाल दे फाड़ दी, जा जा देख 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 कैसे फाड़ेगी, फाड़ दे रोटी मत डाल लिया जाए। अब मैं खा ले अब ले ले अब फाड़ दे, अब खाए ले 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 ऐसी फाड़ दे तू फाड़ दे, अब तुझे रोटी थोड़ी नहीं मिलेगी। अम्मा गुस्सा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग्स। और आपने अभी भी देखा होगा कि बंदर मेरी ना टी शर्ट उठा के ले गया है, मतलब रस्सी पे टंगी हुई थी सूखने के लिए, तो वहां से उतार के ले गया है, उसे चाहिए रोटी, और मतलब अगर उसे रोटी नहीं दो तो वो फाड़ देता है, तो मैंने रोटी नहीं दी थी तो उसने फाड़ दी। एक कुछ दिन पहले एक और फाड़ दी थी, और ना पता है मैंने 2 दिन पहले अपनी स्लीपर निकाली थी, वो भी उठा के ले गया था, बगल में हिना के घर पर डाल दी थी पड़ोस में उसकी छत पर, तो फिर मैंने हिना को कॉल किया कि हिना मेरी स्लीपर बंदर ले गया, देख ले अगर ठीक हो तो। उसने देखी तो उसके 2 टुकड़े करा लिए, ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम वो नहीं कर रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं अब ईसा की ना फीस भरने जानी है बैंक में, तो हम लोग चलते, वैसे भी उसकी फीस ना लेट हो गई है तो उसका अभी चार्ज लग गया है, तो हम ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, तो हम लोग चलते हैं अब बैंक। और हाँ, आप ईशू की एक वीडियो देखना, ईसा है ना वो निप्पल से दूध पीती थी छोटे पर, तो क्या है ना वो उंगली पीना सीख गई, इतनी कोशिश की छुटाने की इतनी कोशिश, बट वो नहीं छोड़ती है। तो पता है कैसे, उंगली हम ऐसे करके यू करेगी, उंगली ऐसे करके यू करके ऐसे पिएगी, तो क्या रात में पी रही थी, उसे कुछ होश नहीं है, सोते सोते पी रही थी, तो उसके पापा आए, उसके पापा ने क्या उसकी उंगली निकाल के अपनी लगा दी, और वो पीती जा रही थी। थोड़ी देर बाद सबको पता चलता है कि ये मेरी नहीं है, फिर उनकी निकाल के अपनी फिर लेती थी। वीडियो देखो आपको पता चल जाएगा। तब तक मैं बैंक पहुँचती, लेट बहुत हो गए हैं, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और थोड़ा सा कुछ और भी सामान लेना है, क्योंकि हमारी 2 दिन का हमने मतलब ट्रिप है हमारी फैमिली के साथ, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, चलते हैं जल्दी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। हम लोग आ गए हैं घर, और इतना ज़्यादा थक गए हैं, और आपको वहाँ का एक स्यापा बताते, हम लोग गए ईजू के स्कूल में गए, वो आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे, पहले घर पहुँच गए, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद बताते, बहुत ज़्यादा थक गए, धूप भी इतनी तेज़ है बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स मीटिंग है, तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम ही लोग लेट हो गए हैं इस बार,
स्पीड तो काफी है। शायद खत्म हो गए वहाँ पे सारे, ये देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है। अभी चल रही है मीटिंग, चलो हम लोग भी चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं ईसा के स्कूल, आज है पेरेंट्स मीटिंग। और पता है हम कहीं पर भी जाएं लेट जरूर होते हैं, तो आज हम फिर लेट हो गए और उसकी मीटिंग ख़त्म होगी 11:30 बजे और अभी बज रहे हैं 11:10, यानी कि 20 मिनट रह गई हैं पहुंचने में, तो हमें बस पहुंचना है जल्दी, तो हम लोग चलते हैं। लेट हो गए इसलिए लेट करवा दिया मुझे, और तेरे बाल ना सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं सिर के। चलो उधर से आएंगे तब ब्लॉग बनाएंगे सही से, अभी चलते हैं। और देखो देखो, हाँ यही वाला शॉर्ट रास्ता है, और देखो काफ़ी लोग उधर से आ रहे हैं पेरेंट्स, और भीड़ तो इतनी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, सभी के पेरेंट्स आ रहे हैं, तो हम पूछते हुए जा रहे हैं कि चल रही है मीटिंग, चल रही है, वो कह रहे हैं हाँ चल रही है, तो चले तो हम लोग क्या वहाँ थोड़ी नहीं पहुँचना, नहीं नहीं शॉर्ट से चलेंगे हम लोग इधर, तो चलो। तो हम लोग लेट नहीं हुए, सही टाइम पर पहुँचे हैं। हाँ यही चिल्ला ले मामा निकल गएगा, वो फोन में लगा है। तो हम लोग सही टाइम पर पहुँच गए थे, लेट नहीं हुए थे, मैम मिल गई थी, मैम से बात हो गई और बताया, हमने पूछा ईसा के बारे में कि मतलब कैसी है, तो उन्होंने बताया एक्सीलेंट, पढ़ने में होशियार है, वर्क वर्क सारा सब कुछ अच्छा करके लाती है और ज़्यादा बात नहीं करती है मैम। और पता है वो इंग्लिश में बात कर रही थी, और भाई हम ठहरे गाँव, और पता है वो इंग्लिश में बात कर रही, तो ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं की हो, मैंने की। वो कह रही थी यू हैव मतलब आप मम्मी हो उसकी, तो वो ये मैम कह रही थी, मैम चौंक गई थी मुझे देख के, आप उनकी मम्मी हो सो यंग, मैंने की नहीं मैम मैं मम्मी नहीं हूँ, मैं उसकी मौसी हूँ, वही मुझे लगा यू लुक लाइक स्टूडेंट, मैंने यस मैम। अब वो इंग्लिश में इतनी पटापट इंग्लिश बोलती आ रही थी इंग्लिश, और हम ऐसा नहीं है बोल लेते हैं हम इंग्लिश, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। अच्छा है कि वो पढ़ने में होशियार है बस, और क्या थोड़ी सी उसमें कमी तो कोई नहीं बताई, बस अच्छा ही बताया कि वो पढ़ने में होशियार है। तो हम लोग अब चलते हैं घर, अब थोड़ा पेड़ के नीचे आ जाए, यहाँ पर ठंडा ठंडा है थोड़ा सा, तो हम लोग पेड़ के नीचे अब थोड़ा खड़ा हो जाए ना, धूप बहुत तेज़ है, ज़्यादा तेज़ है धूप। तो कल का मैं बता रही थी कि कल एक स्टेप का क्या हुआ, तो देखिए कल हमने भरी थी फीस, यानी कि मैं भरने गई थी उसकी फ़ीस बैंक में, तो वहाँ पर फीस तो भर दी, अब स्कूल की तरफ से मतलब मैसेज गया है कि आपकी फ़ीस नहीं भरी गई है, तो अब हमें दूसरे स्कूल में आना पड़ेगा, यानी कि सीनियर स्कूल में मैम से बात हुई, तो आप सीनियर स्कूल में जाइए और वहाँ पर बात कीजिए कि हमने फीस तो हमारे पास मतलब इसकी रसीद वगैरह है, तो वो लेके हम मैम के पास जा रहे हैं। देखिए और पता है 3 मंथ की भरी जाती है, तो हमने बताया 3 मंथ की ना बल्कि पूरी साल की भर रखी है फीस, फिर भी देखो। तो हम लोग आ गए हैं अब सीनियर स्कूल में, तो हम लोग है ना चलें, तो हम लोग अब ऑफिस जाते हैं। सीनियर ऑफिस गए मैम के पास, तो मैम से हमने कहा कि मैम हमने तो कल आपकी फ़ीस भर रखी, फिर भी मैसेज गया, तो मैम ने कहा कि अभी हमारे पास स्लिप आई नहीं है, तो इसलिए हमने आपके पास भेज दिया है, बस कोई नहीं, उन्होंने स्लिप हमारी देख ली थी, फिर बोल दिया कोई नहीं अब हमारे पास आज स्लिप आ जाएगी तो फिर नहीं जाएगा, एक काम से तो फ्री हुए। तो हम लोग आ गए मार्केट, जहाँ से हमें ड्रेस लेनी है, और पता है ड्रेस भी एक ही शॉप पर मिलती है, तो हम लोग चलते हैं इस शॉप से लेंगे, तो हम लोग लेंगे इस शॉप से, और देखो भीड़ भी कितनी है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। भैया ड्रेस चाहिए किधर, और हमें ना यहाँ पर ही सारी ड्रेसेस मिलेंगी, यहीं से हम बॉयज़ की लेके गए, पर हमने गलती की, गर्ल्स की नहीं ली हमने, तो हम लोगों ने ले ली है ड्रेस,
और हम लोग चलते हैं अब घर। अब थोड़ा जाके थोड़ी सी शांति मिली है, अब जाके हम लोग करेंगे पैकिंग। थोड़ी बहुत रह गई है, वैसे मैंने नाइट में पैकिंग कर ली थी, थोड़ी बहुत रह गई है वो, और जाके अभी कर लेंगे। तो हमारी पैकिंग हो गई डन, वो आपको कल वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो बने रहिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी करते हैं, मिलते जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग तक, के लिए बाय।